सीरियसली ये कुत्ता इतना खतरनाक है हमारा क्या? सब हो गए, बहुत जरूरी काम रह गया, डिस्कस तो हमने करा ही नहीं सबसे जरूरी। हट के जो बताते हैं, तू हट जा, तू डरा रही है। पूजा भैया कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग गाइस, एक और दिन की शुरुअत और सारा काम फैला हुआ है अभी भी, जैसे अपडेट था। और सुबह उठे हम आज कितने, 7 बजे उठे, रिएक्शन वीडियोस बनाई है, 6 रिएक्शन वीडियोस बनाई है, उसके बाद फिर अब उनको मैं एडिट करूंगा। और ये मैडम भी चाय अपनी कॉफी बना के बैठी है, ये अपना करके आ चुके हैं, फ्रेश हो गया, 1:30 बज गया था, पूरा साफ सफाई कर लेना है, सभी चल रहा है काम, थोड़ा सा आज ये अपने लास्ट वाले जो नीचे का भी था ये बैठ गया। नहीं उड़ रही, हल्की फुल्की वैसी है, कहाँ है, नहीं उड़ रही भाई, सच में बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ के अंदर। और पिछली वाले भैया आएंगे तो इसका कनेक्शन हटाएंगे, फिर अंदर ही अंदर वो भी करेंगे, तो भी चल रहा है काम। और आज अभी इसमें ये गेट हट के इसमें शुरू हो जाएगी, अब चलेंगे। डाकू बनी हुई है बिल्कुल घर के अंदर, हाँ ऐसे रही हो आज, तू चोरी करने भी जा सकती है, टैलेंट है तेरे अंदर चोरी करने का भी, इसके तो लगने चल रहे। और अभी रेती मंगा, ये रेत है क्या, ये जमुना रेता है ना, हाँ डाकू बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ बंदूक ले ले प्लास्टिक की, 150 रुपये की वो, लेकिन कहें इसको मौका चाहिए बाहर जाने का, मैं पीट दूंगा इसको। अभी एक सीमेंट का कट्टा, एक और एक कट्टा आ गया, एक कट्टा और सीमेंट का आना है, और अभी बजरी और आनी है। बजरी क्या है वो, दे दे निकल, बजर पर, बजर पर बाहर मत जियो, पीट दूंगा मैं तेरे को। दीपक गया जिम, जिम बहुत जरूरी है, चाहे घर में कुछ भी आंधी तूफान आ रहा हो, इसके लिए मैंने ये सेटअप कर दिया बेचारे के लिए, फोल्डिंग वोल्डिंग डाल के, ऐसे जैसे ही फैन लगा बेचारे की लाइट चली गई, और फाइनली ऐसे टाइम में तुम्हें गर्म नाश्ता करने को मिल रहा है, जो कि बना रहा है हमारा शेर। क्या बन रहा है? पराठा बन रहा है। और गर्म गर्म खाने हैं आज? नहीं खाने नहीं, चिपकाने चिपकाने। हमारा पति तो भेज दिया जी, मम्मी कह रही गर्म गर्म खा लो, बताओ खा लेंगे, खा ली, दीदी कह रही है वरना मैं खाती नहीं उसके बिना, देख देख के लो, कह रही है तो खा लो, देख के जी बोलो, देखो आप कह रही हो वरना मैं खाती नहीं ऐसे दीपक के बिना, मैं तो नाम को पूछ रही हूं, मैं सुबह से कैसे होके घूम रही हूं। A few moments later. भाई मैं स्वेटिंग में इसलिए, तो गर्मी है घर में, प्लस मैं वर्कआउट करके आ गया था जिम जाके, और वहाँ लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया ढंग से। और एक और चीज दिखाता हूँ आपको, घर की डाकू से मिलवाता हूँ। ये भाई साहब डाकू बनी हुई है घर के अंदर, अभी भैया आए थे पिछले वाले वो भी डर गए, पर देखिए भाई साहब क्या हो रहा है घर के अंदर, आपको दिखाता हूँ। और ये कूलर जो था ये रखा हुआ था जगह घेर रहा था, तो इसको हम निकाल दिया, इसको स्टोर रूम पहुँचा देंगे। ये पंखा उतारा है दूसरा, इसके ऊपर इतनी देर चल रही है, और अभी यहाँ से बिजली का कनेक्शन चल रहा है, भाई लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे कनेक्शन फिर यहाँ से हट के जो बताते हैं, तू हट जा, तू डरा रही है। पूजा भैया का है, तो मुझे लगा कि पक्का कोई वीडियो से आके, तू हट जा कैमरा, तू लोग डरा रहे, तेरे को देख के ना ऐसा लग रहा है कोई डाकू डुकू आया हुआ है यहाँ पर। मेरा कल से सबक था कि मैं बिना मुंह कवर करे घूम रही थी, मेरा पूरा धसका बैठ गया था मेरा, अभी दीवार बननी भी शुरू हो गई है, यहाँ पर दीवार हो जाएगी फिर ये गेट निकल। इसे भी पता है अड़ी भीड़ में जो मिल जाए वो खा लू है, आज तो लड़का इसमें बॉर्नविटा दूध में डिप करके पराठा खा रहा है। अब बोलेंगे डॉग को पराठे देते, भाई मैंने इसका ना अलग से बिल्कुल हल्के से उसका बनवाती हूँ, बहुत हल्का सा घी लगाती हूँ, चलिए फिनिश कर दो, गुड बॉय बनना है ना फिर, पर देखो वैसे परेशान नहीं किया इसने, भागा दौड़ी या क्या, नहीं गेट खुला भी है बहुत देर, ऐसे ही रहा है पूरे टाइम। यार मेरे रूम का देखना क्या हो गया है, कैस्पर भी देख रहा है क्या कर दिया मेरे कमरे का, अभी तो लगेगा चीकू कितने, जो तू कह रहे थे 10 दिन बाद इस पे वो होगी पुट्टी, तो लगेंगे ना अभी 10 दिन, कितने 2000 years later। हेलो मैडम, हेलो हेलो हेलो, भाई इसके तो तोते उड़ गए, आज मेरे भी तोते उड़ गए, मेरे पैर मतलब कि काफ भाई साहब इतनी दर्द कर रही, पूरे दिन हम खड़े रहे, आज बैठने का तो टाइम ही नहीं था, चार पे मैंने थोड़ी देर कैस्पर को बैठाया था, और पूरे दिन काम चलता रहा ना कैस्पर, बिल्कुल अब कैस्पर ने मैं कहा कि भाई साहब करेंगे पूरी पार्टी, तो अभी हम थोड़ी सी खा रहे हैं, एक तो ये अपनी मेडागास्कर चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं, और ये सही लगती है मेरे को, अच्छी लगती है। आज तो सच्चे में पैर दुख रहा है, बहुत पैर दुख रहा है, मतलब फोल्डिंग था वहाँ पे, लेकिन पता है कभी यहाँ कभी वहाँ, और प्लस मैं तो खड़े-खड़े एडिटिंग करी 6 वीडियोस, इतनी धूल, आज तो सांस आ रहा है, कल तो मुझे ऐसा लग रहा है कल मैंने फेस कवर नहीं किया था ना भाई। एक और चीज दिखाता हूँ कि ऐसा हो गया कुछ, अरे हाँ पहले तो हम इसमें देख रहे हैं मूवी, हमारे टीवी अभी है ना हमारे पास, ये टीवी है, तो ये और क्या बोलते हैं ये अपने कार में लगा लिया हमने, बर्तन अपने टीवी 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 देख, टीवी हो रहा हमारा नया टीवी है भाई, वो जो एड नहीं आता सैमसंग का टीवी का था वॉल वाला, कि भाई टीवी लगा हुआ है इसमें वॉलपेपर है, ये झूठ नहीं कह रहे वॉलपेपर है ये भी, और हमारे पास 2 टीवी हो गए, ये क्या है एक क्या, और भाई साहब देख लो इनको ना बर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, बर्तन है दोस्त। और ये भाई देखो ये वो वाला गेट चालू रहेगा, इसको पूरे को भर दिया गया है स्ट्रीम करने का।
फिर हालत ही नहीं बची हमारी, मतलब 9:30 बज गए थे, ये सफाई वफाई में ये भर दिया है, ये पीछे का भर दिया, ये इधर का ये वाला गेट बंद हो गया, वो हो गया। अब इसके ऊपर अब इसे कल प्लास्टर होएगा पूरा, फिर एक हफ्ते बाद इस पे यही वाला पीओपी हो जाएगी, इस पे पुट्टी हो जाएगी। भाई लेकिन पता है फिर वही दिक्कत होगी, सीलन आनी शुरू हो जाएगी, तो कम फिर करेंगे सर्दियों में, प्रॉपर पूरा सर्दियों में। और अभी हालत भी नहीं है मेरे को, कभी लगता नहीं था कि आदमी सिर्फ खड़ा खड़ा भी परेशान होता है, ऐसा घूमते घूमते पूरे घर के अंदर पूरे दिन, और फिर शाम को वाइपर से पूरी सफाई करी है बाहर की हमने। और हाँ अरे भैया एक चीज दिखाना, तो हम भूल क्या दिखाने भूल गए दोस्तों तुम्हें एक चीज दिखा दो, बहुत खतरनाक भाई साहब बिजली वाले जुगाड़ करा है, ये पंखा का कनेक्शन अलग था उसका, तो उसने पता नहीं, ये देखो ऊपर दिख रही होगी आपको, रुको मैं दूसरे एंगल से दिखा दो, इग्नोर दिस मैस, यहाँ पर तो कभी प्लास्टर होगा फिर पीओपी तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। ये जो है ना दीवार के इधर अलग कनेक्शन था बिजली का, उधर था और इधर सारे तार थे, तो उसने इधर से उस कमरे के तार को जोड़ के ऐसा जुगाड़ बिठाया इस पंखे का कि अब ये पंखा ऐसा कर रहा है उस पंखे, रुक जा, कि ये पंखा सिर्फ अब स्विच ऑन होता है सीधा 5 पे इसका, अरे वो कल आएगा ठीक करेगा, और जो दूसरा पंखा है उतार के उसको दे दे, उसका कोई बैरिंग कुछ होता है तेरे को पता है, तेरे को बताते हो वो मतलब जो वो थे ना जो उनका जो सीनियर आया था, सीनियर जूनियर जो बिल्कुल सुबह तेरे को भी बेटू और मुझे बेटू करके बात कर रहे थे अंकल, वो गेट तक चले गए पापा के साथ, कहते कि भाई साहब सारा सब डिस्कस कर लिया, जल्दी पीछे देख पीछे गजब आदमी है ये, सीरियसली ये कुत्ता इतना खतरनाक है हमारा कैश पर, भाई अब ऐसे गूंजेगी इसने, भाई साहब ने धुआं उठा रखा इसने, ये साला अपनी दिमाग से इंफ्रारेड शक्तियां भेज के एसी से कहता है अब तू 25 पे चल, अब तू 26 पे चल, अब तू 27 पे है। जो अंकल आए थे वो गेट से वापस आ के कह रहे अच्छा भाई साहब सब हो गए, बहुत जरूरी काम रह गए, डिस्कस तो हमने करा ही नहीं सबसे जरूरी, क्या वापस आए बैठा फोन ले, तो इन साहब से तो आज हायल नहीं करी, मैं उन्हें बता रही मोहल्ला पूरी कॉलोनी जानती है, उन्हें बता रही कहते मुझे पता है बेटा कैस्पर है ये अपने इनके साथ आता है शॉप पे, अच्छे से जानता है मुझे, तब मुझे समझ आया कि वो सीधा अंदर आ गए, और ये वहां से वो ऐसे भोंके जा रहा कि आए हो मिल के जाओ, फिर वो इस अलमारी को भी यहाँ से पीछे कर देंगे, ये पूरा खाली अवॉइड किया ना मुझे अभी, अवॉइड किया क्या तू ऑलरेडी अवॉइडेड है पागल, तेरे को मैं इग्नोर करता हूँ हमेशा, एक औरत को कितना टाइम झेले आदमी, कान में कहाँ हो गई, ऊपर दीवार टूट टूट गई, सामने टीवी टेबल आएगी, उधर कंप्यूटर का सेटअप होगा, इस दीवार पे थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग करेंगे, थोड़ा सजावट करेंगे ताकि स्ट्रीम में जब बैकग्राउंड आए वहां से तो इस दीवार का बैकग्राउंड आएगा, लाइव स्ट्रीम पे हमारे गेमिंग चैनल अभी तक नहीं कर रहे हैं, भाग के कर लो, मिलते हैं आप जाते जाते आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हो भाई साहब का, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ, जिसको आइसक्रीम अच्छी लगी भाई कमेंट करते भाई आइसक्रीम देख के मजा आ गया, और ये तो अपने धोन देखो ना खुला ली, कैसे सालों मुझे कैमरे में बेइज्जती करते रहो, बाय टेक केयर।